हेलो स्टूडेंट, आज फिजिकल एजुकेशन के बारे में बढ़ते हुए हम आज का टॉपिक रखते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। बहुत सारे पश्चिमी विचारकों ने शारीरिक शिक्षा की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, उनमें से आज हम कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों की शारीरिक शिक्षा की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम J.F. विलियम्स के बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या कहा है शारीरिक शिक्षा के बारे में। उनके अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित शारीरिक गतिविधियों, उनके प्रकारों एवं उससे प्राप्त परिणामों का योग है। अर्थात वो यह कहते हैं कि आप शरीर को सक्रिय बनाने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटी को करना पसंद करते हैं, उनको अपनाते हैं, और उनमें से कौन सी विशेष प्रकार की एक्टिविटी को आप अधिक मात्रा में करते हैं, और उन एक्टिविटी के करने से जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वही वास्तव में शारीरिक शिक्षा है। JBNS के अनुसार शारीरिक शिक्षा किसी भी सामान्य शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसका संबंध शक्तिशाली पेशीय क्रियाओं और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से है। अर्थात हम सामान्य शिक्षा में उस शिक्षा को शारीरिक शिक्षा मानेंगे जिसमें कुछ विशेष प्रकार की पावरफुल फिजिकल एक्टिविटी को किया जाता है और उसके द्वारा हमें कुछ निश्चित परिणाम या प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। अगर हम डी ओवर क्यूफर शिक्षा शास्त्री जी के द्वारा दी गई शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को देखें, उनका मानना था कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति को शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होते हैं। अर्थात जब व्यक्ति कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसके द्वारा उसे कुछ निश्चित फीलिंग्स और एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं और कुछ निश्चित फिजिकल एक्टिविटी भी प्राप्त होती है। अर्थात शारीरिक शिक्षा अनुभवों का संकलन है, किसके द्वारा? फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त होने वाला संकलन है। चार्ल्स ए बुचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो अपने उद्देश्य के रूप में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की गतिविधियों के द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित दृष्टिकोण के साथ चयनित योग्य नागरिकों का निर्माण करता है। अर्थात हम शारीरिक शिक्षा में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को महत्व देते हैं और हम एक निश्चित दृष्टिकोण का चयन करते हैं और उसके साथ हम कुछ निश्चित शारीरिक गतिविधियों को करते हैं जिससे हमें योग्य नागरिक प्राप्त होते हैं जो कि आगे चलकर परिवार, समाज, राज्य और देश के लिए अपने योग्यता का प्रदर्शन करते हुए उच्च प्रगति को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। धन्यवाद।